इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि यदि 50 लाख आपके पास है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, प्लॉट में करेंगे, फ्लैट में करेंगे, एफडी में करेंगे, इंश्योरेंस में करेंगे, सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 50 लाख हो तो ऐसा ही नहीं कि आप वीडियो देखें, आपके पास यदि 5 लाख है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप जिस तरीके से मैंने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। देखिए, यदि आज के टाइम में मैं आपको जो एसेट बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, 40,000 रुपये पर मंथ पाने के बाद आपको 55 करोड़ के आसपास मिल सकता है। यदि आप थोड़ा सा चेक करिए कि क्या प्लाट में आप आ जाके 50 लाख का कोई कॉर्नर का प्लाट ले ले तो क्या 30 सालों में आपको 55 करोड़ मिलेगा? तो मिलेगा तो जरूर, मैं जो बताऊंगा उसको मत लीजिएगा, प्लाट में ही पैसे डालिएगा। आगे बात करेंगे तो क्या आपको एफडी में, 30 साल की बात मैंने किया है, एफडी में यदि आप 50 लाख आज डालते हो तो क्या 55 करोड़ मिलेंगे आपको? यदि मिलते हैं तो जरूर आप एफडी करा लीजिए, यदि जो बैंक देता है तो जरूर आप ले लीजिएगा, यदि नहीं मिलता है तो जो मैं बता रहा हूँ फिर उसको आप ले लीजिएगा। एफडी में आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि 9 साल 9.5 साल में पैसा आपका डबल होता है, तो 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ का फिर आपका 20 सालों में 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ का 4 करोड़, 4 करोड़ होगा, 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने वाला एफडी में भी। आगे बात करें तो भाई पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ और सिक्योर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस भी है, तो पोस्ट ऑफिस में भी क्या होगा, 10 साल में पैसा यहाँ पर भी डबल हो सकता है, तो मुझे लगता है 4 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं होने वाला है। उसके बाद करें इंश्योरेंस, क्या यूलिप प्लान आपको जो है 50 लाख का क्या आपको 55 करोड़ देगा? नो, कभी भी आपको, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में तो मैंने कई बार आपको बता रखा, कई बार मैंने वीडियो बनाया है कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इंश्योरेंस सेक्टर सबसे गलत है। आपको इंश्योरेंस लेना है तो केवल टर्म प्लान लीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिएगा और कोई प्लान नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस में कभी भी आपको 50 लाख आपका डूब सकता है, 50 लाख का आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन 55 करोड़ की कभी उम्मीद ही मत करिए आप। आगे बात करें यदि फ्लैट की, क्या लगता है कि यदि आप मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में यदि आज आप 50 लाख का एक फ्लैट ले लें और 30 साल बाद क्या आपकी उस फ्लैट की कीमत 55 करोड़ होगी क्या? यदि होती है तो बिल्कुल आप फ्लैट जरूर ले लीजिएगा, आप मेरे बताए हुए एसेट में मत पैसे डालिएगा। लेकिन यदि आपको डाउट होता है तो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ जाके आप पैसे डाल सकते हैं और मैं आपको प्रूफ दूंगा कैसे होगा। अब बात करें क्या स्टॉक मार्केट, जैसे मैं कई बार लगातार प्रतिदिन आपको स्टॉक के बारे में कहीं ना कहीं अपडेट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी स्टॉक के बारे में आपको बताता रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक में 100% आपका 50 लाख रुपए, 55 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी हो सकता है और लोगों ने बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, दिवंगत हमारे राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत पैसे बनाए हैं, विजय केडिया जी ने बहुत पैसे बनाए हैं, आशीष कचोलिया जी ने बहुत पैसे बनाए हैं, वॉरेन बफेट जी ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, बहुत बड़ा नाम भी कमाया है स्टॉक में पैसे लगा लगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, आप अपने बारे में प्रैक्टिकली सोचो, क्या 50 लाख रुपए लगा के आप 55 करोड़ तक वेट कर सकते हो क्या? नहीं, जैसे आपका 50 लाख 1 करोड़ होगा ना, उसी दिन आप अपने पेशेंस को खो दोगे, आप अपना सारा बेच के निकाल लोगे। आपका 50 लाख 60 लाख होते ही आप पेशेंस खो दोगे। सोचो, टाइटन का शेयर लिया था राकेश झुंझुनवाला जी ने, बताते हैं लोग कि 3 रुपए पे, 6 रुपए पे, आप सोचो यदि आपका 100 रुपए होता तो क्या आप रुकते क्या? उन्होंने रोका, लेकिन आप हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली आप सोचो थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम ये स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। यदि आप चाहते हो कि बिना टेंशन, देखिए स्टॉक में एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऑप्शन में, इंट्राडे में और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी होते हैं। रीज़न क्या है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों, यदि उन सब चीज़ों से बच के एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, फिर मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर सेफ और सिक्योर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव करना चाहते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप आगे देख लीजिए और फिर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने जो बताया क्या आपको अच्छा लगा, या फिर आप इन सारे विकल्प में कौन सा बेहतर विकल्प मानते हैं। चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ प्रूफ के साथ कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं सेफ एंड सिक्योर। उसका नाम है म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में भी यदि आप SIP करें तो 100% करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं और उस 50 लाख को यदि आप लमसम में डालें, सही टाइम पे यदि आप इन्वेस्टमेंट करें, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, सही म्यूचुअल फंड को आप पकड़ लें और आप 30 ईयर का यदि आपने पेशेंस रखा तो 100% बड़ा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक है और म्यूचुअल फंड सेफ एंड सिक्योर है, और कोई भी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें बहुत सारे, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप ऐसे नहीं उठ के आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको बहुत ही आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी तब आपको वहाँ पैसे डालने होंगे। और इस प्लान की बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि आपका पैसा भी पड़ा रहे, हर महीने आपके पास पैसे आते रहे जिससे आपका खर्च भी चलता रहे, आपके सारे अपने सपने पूरे कर सको। आपका टारगेट है कि मुझे पूरे भारत को घूमना है, मुझे पूरी दुनिया घूमना है, तो आप घूम सकते हो, आप जो चाहो वैसी जिंदगी जी सकते हो। 40,000 मुझे लगता है कि कम नहीं होता है, देखा जाए तो 4 लाख भी लोगों के लिए कम हो जाते हैं और देखा जाए तो 40,000 में भी अच्छी खासी आप लाइफ जी सकते हैं। तो बात करें कैसे म्यूचुअल फंड में डालना है, देखिए अभी के टाइम में बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते हुए, देखिए मैं शॉर्टकट पे आते जाऊंगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी IT में आया, आपके सामने इंडेक्स लगा रखा है, लेकिन
निफ्टी की बात किया जाए तो 17,400 के आसपास है और 17,500 का उसने हाई लगाया था और अभी 17,400 पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा निफ्टी में गिरावट नहीं है। तो इस वजह से अभी देखना है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स यदि आप देखेंगे निफ्टी में जबरदस्त गिरावट है, इसका जब आप हाई देखेंगे तो 39,446 का, मतलब 40,000 के आसपास इसका जो है इंडेक्स गया था, वहां से आज के टाइम में 26,592 पे है और 26,592 का मतलब 40% आईटी सेक्टर टूटा हुआ है। आईटी इंडेक्स आप देखेंगे ना निफ्टी आईटी 40% टूटा हुआ, और देखेंगे तो आईटी के सारे शेयर 40% 35% अच्छी क्वालिटी के, इंफोसिस टीसीएस टेक महिंद्रा सब एससीएल ये सारे आपके 40% 35% टूटे हुए। अब यहां पे इतने टूटे हुए हैं तो यहां पे एक ही अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जहां गिरावट है, कहते हैं ना वॉरेन बफेट जी, जहां लोग भागने लगे वहां आप खरीदना शुरू कर दो और जहां लोग लालची हो वहां बेचना शुरू कर दो। तो यहां पे भी लोग भाग रहे हैं आईटी सेक्टर का नाम सुनकर, उनको लगता है कि यार यहां तो पैसे बनेंगे नहीं। सॉरी, देखिए यहां पे ही अब पैसे बनेंगे, फ्यूचर में भी और गिरावट हो सकती है 20% का। तो मेरा मानना है कि यदि आपके पास 50 लाख है तो इन दो फंड में आप 25-25 लाख करके डाल दो और थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि इकट्ठा लमसम डालो, आप 2 लाख डालो, 3 लाख डालो, 4 लाख डालो, ऐसे करके अपने पूरे पैसे को डाल सकते हो। अभी के टाइम में सबसे बेस्ट है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि हमें किसी सेक्टरल फंड में SWP नहीं करना चाहिए, सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान नहीं लेना चाहिए, हमें हाइब्रिड फंड लेना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना चाहिए कि जहां पे सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी बने वहीं लेना चाहिए। अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आईटी फंड में दिख रही है, स्मॉल कैप फंड या चाहे मिड कैप फंड या चाहे लार्ज कैप फंड चाहे हाइब्रिड फंड में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, क्योंकि हमारा निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं टूटा है, हमारा निफ्टी अभी वहीं पे आसपास है, 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट है। हाँ, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना था जब कोविड का टाइम था, जब निफ्टी आपकी टूट चुकी थी लगभग 40% के आसपास। तो आज देखिए 40% के आसपास निफ्टी आईटी टूटी है। तो इन दो फंड में यदि आप लेते हैं तो पैसा आपका बहुत अच्छा जनरेट हो सकता है। पहला फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, मैं बहुत सारे लोगों की पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं जिनको मैंने दिला रखा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान। देखा जाए तो इसका ऑल टाइम का जो एनुअलाइज रिटर्न है तो इसका 19.55% का, मतलब 20% के आसपास ये आपको ऑल टाइम में जो है रिटर्न दे रहा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का 20% का। और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे ना तो इसके साथ में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसका एनएवी 33.33 पे है। और आप देखें 150 रुपए की भी SIP हर महीने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंड का साइज देखेंगे तो 5,981 करोड़ का है, अच्छा है। उसके साथ में यदि आप देखेंगे तो एक्सपेंस जबरदस्त, ये सबसे कम एक्सपेंस इसी फंड का है 0.34, मतलब समझ रहे हैं आप 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि आप, तो यहाँ पे फंड मैनेजर आपसे केवल 340 रुपए लेता है। साथ में यहाँ पे ओपन एंडेड फंड है, कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 30 साल तक आप, जब आपकी इच्छा हो तब आप यहाँ से निकल सकते हैं, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल। लेकिन हाँ, जो मैंने बताया है कि 30 साल बाद आपको 55 करोड़ से ज्यादा मिलेगा वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इमरजेंसी है तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी आप निकल सकते हैं। ओपन एंडेड फंड में यही फैसिलिटीज होती है कि कभी भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पे दिखा है एग्जिट लोड ऑफ 0.25%, मतलब कि 30 दिनों के अंदर यदि इस फंड से आप एग्जिट करते हैं तो आपका जितना अमाउंट है उसमें से 25% आपका जो है रिडीम लगेगा। मतलब आप सोचो कि 30 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड आज आपने लिया और एक महीने के अंदर ही आप एग्जिट करना चाहते हो, पूरा पैसा अपना निकालना चाहते हो, तो उसका 0.25% आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जबरदस्त फंड है, ये हो गया। दूसरा एक फंड है ICICI प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। देखिए इन दोनों फंड में देखे ना टेक्नोलॉजी, तो जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां सबसे ज्यादा इन दोनों में भी इन्फोसिस में 25-25% आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। TCS है, टेक महिंद्रा है, कोफोर्स है, बहुत सारे हैं। अब इसका देखेंगे ऑल टाइम का तो CAGR बनना है 20.17%। सिर्फ मेरा मानना है कि 25 लाख आप टाटा डिजिटल में डाल दीजिए और ICICI प्रोडेंशियल में भी 25 लाख डाल दीजिए, लमसम में डालिए आप 5 लाख 2 लाख, क्योंकि अभी भी ये फंड अभी भी यहां से भी 20% 15% टूट सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक रिसर्च का अनुमान है। आईटी सेक्टर में अभी भी 20% की गिरावट आ सकती है, तो 2 लाख 4 लाख करते हुए डालते रहिए, हर डिप में डालते रहिए, एलमसम में पैसे डालते रहिए। और देखिए सबसे बड़ी चीज एक और ध्यान दीजिएगा, यहां पे मिस्टेक नहीं करना है, ICICI प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान आपको डायरेक्ट में डालना, रेगुलर प्लान में नहीं डालना, ध्यान दीजिएगा इस चीजों का, तभी आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। यहां पे अभी देखिएगा डायरेक्ट प्लान और डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान यदि आपको लेना है और आप बहुत बार कोशिश कर चुके हैं आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके और लॉगिन करके अपना सारा कुछ कंप्लीट करके लॉगिन करके वहां पे आप जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप सोचिए यहां पे जब आप ग्रो से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, आपका सारा पैसा जो है टाटा AMC में चला जाएगा या तो ICICI AMC में चला जाएगा वहां पे। तो आपका ग्रो सिर्फ आपको देता क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि यहां से आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। और इसका देख सकते हैं ना 22% का CAGR है, उसके साथ इसके एनएवी 136 पे है। फंड साइज की बात करें तो 8,711 का है, इसमें भी 100 रुपए की SIP है,
अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है, 0.79, मतलब कि यदि आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते तो 790 रुपए का खर्च लेता है फंड मैनेजर यहाँ पे। यहाँ पे भी 15 दिन के अंदर, भी आप यदि 15 दिन के अंदर लेते हैं तो 1%, 15 दिन के बाद यदि आप एग्जिट करते हैं तो कोई नहीं। सॉरी, अब रहा सवाल, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो लेकिन बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों फंड में आपने 25-25 लाख दे दिया तो टोटल 50 लाख आपने लमसम डाला। देखिए ऊपर लिखा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, 50 लाख आपने डाल दिया, 40,000 रुपये हर महीने आप निकालना शुरू कर दिया अगले महीने से। और आप देखें तो दो, एक में 22% का CAGR दे रहा था, एक में 19.55% का, तो मैंने एक एवरेज निकाल दिया 20% का। 30 साल के लिए यदि आप रखते हैं और हर महीने 40,000 आप लेते जा रहे हैं, ये देखिए एक डेट आपको डालना होगा। जब आप SWB आप सेलेक्ट करेंगे ना तो उसमें आपको 1 तारीख 5 तारीख कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा, जिस अकाउंट से आप पैसे डालेंगे। अब यहाँ पे आपका हर महीने 40,000 आ रहा है, तो देखिए 30 साल यदि आप डालते जा रहे हैं, हर महीने आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपके पास आया क्या, देखिए टोटल पैसा 55,81,21,243 रुपये आए और आपने विड्रॉल किया 1,44,00,000 रुपये। सोच सकते हैं आप, जबरदस्त रिटर्न दिया। सॉरी थोड़ी सी जुकाम है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन आप देखिए जबरदस्त फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिला। 55 करोड़ है, आप सोचो 30 साल बाद अपने आने वाली पीढ़ी को आप 55 करोड़ रुपए देके जा रहे हो इस 50 लाख रुपए से, और आपने भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय की। 1,44,00,000 रुपए को आपने खूब खर्च किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ऐसे ही बेहतर नॉलेज पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।